नमस्कार, मैं यूसी झा और आप सभी लोगों का बीएससी कोचिंग में स्वागत है। हम लोग अभी तक एडवांस मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री को देखे, साथ ही साथ उसके थ्योरम्स को देखे, उसके साथ साथ हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देखा, प्लस आपके पास असाइनमेंट है तो उसके भी क्वेश्चंस को हमने देखा है। उसके बाद हमने मेंसुरेशन को देखा, फिर हमने देखा था बेसिक अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इस तरह के जो भी बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उसको हम लोगों ने देखा था। जैसे जैसे अलजेब्रा अपना रूप विस्तार लेता है वैसे वैसे चैप्टर्स भी बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी अलजेब्रा की कड़ी में जो आपको थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन लगता है उसको मैंने सब डिवाइडिंग पार्ट्स में बांट दिया। जैसे एग्जांपल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, सॉर्ट्स इन इंडाइसेस हो गया, उसके अलावा लॉगरिदम हो गया, ये सब अलजेब्रा के पार्ट्स होते हैं जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट के अगर हम 3 साल का रिव्यू करें तो आप देखेंगे कि 2017 का जो मेंस हुआ था हर एक सेट में, टोटल 7 सेट हुए थे और हर एक सेट में 7 to 8 क्वेश्चंस केवल और केवल एक्सक्लूसिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हुआ करते थे। उसके बाद 2019 के एग्ज़ाम हुए, उसमें 3 सेट हुआ था, उस 3 के 3 जो सेट थे उसमें लगभग 20 क्वेश्चन अलजेब्रा के थे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से थे केवल। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप अरिथमेटिक में अगर हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो भी अलजेब्रा आपको चाहिए, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। जैसे ही आप हाई लेवल क्वेश्चंस की बात करते हैं, आपके पास अगर अलजेब्रा नहीं है तो आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करके अब हम बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं। कुछ चीज़ें हम लोग 10th में भी पढ़े थे, उसी को जोड़ते हुए और जो चीज़ें नए तरीके से पूछे जाते हैं उस पर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहला, जब कोई कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाती है। क्लियर यहाँ तक? अब जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जब कोई कहता है तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है? तो बेसिक मीनिंग ये है कि इसमें जो आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मतलब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब हुआ कि हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम उसको समझाना चाह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और जब हम उसमें इक्वल को शामिल कर लेते हैं, यानी इस पूरे को जब हम शामिल कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसके साथ जब हम कहते हैं तब इसे कही जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अभी भी ये डेफिनेशन अधूरा है, तो इसमें कंडीशन शर्त क्या क्या होनी चाहिए? तो पहला शर्त ये है कि ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो जब कभी भी किसी भी किताब को आप स्टडी करते हैं और कुछ छोटा छोटा पॉइंट जो लिखा होता है उस पर ज़रूर ध्यान में होना चाहिए कि जब आप कहते हैं ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप एक बार सोचिए कि क्यों आखिर ऐसा कहा गया। तो हम अगर ए की जगह पर 0 रख देंगे तो 0 × x² तो एक्स स्क्वायर का टर्म वैनिश हो जाएगा, धुल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो बच जाएगा बी एक्स प्लस सी, और अगर बी एक्स प्लस सी बच जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि एक्स के जो अधिकतम जो पावर होंगे, घात होंगे, वो केवल 1 रह जाएगा। इसीलिए ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है
कि ए बी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब कहने का सेंस ए बी और सी जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। रियल नंबर मतलब आप जानते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के बीच की कोई भी संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, एक की जो नाम है, वैल्यू है, कोई अगर पूछेगा ए क्या है, तो हम कहेंगे को एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। को एफिशिएंट इसका मतलब होता है गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है वो है ए, ठीक। और अगर हम बी की बात करें तो बी कहलाएगा को एफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी कहलाएगा कांस्टेंट और जब आप इसको सिंपलीफाई करते हैं तो सिंपलीफाई करके एक्स के जो दो आंसर आते हैं, मान लीजिए कि एक आप अल्फा कहते हैं और एक बीटा कहते हैं, तो ये कुछ है नहीं, बेसिकली ये रूट्स हैं। रूट्स का मतलब क्या हुआ? तो रूट्स का मतलब होता है कि जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो एक्स की जो आंसर आती है उसे हम कहते हैं रूट्स, और उस एक्स की वैल्यू को पुनः अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन में भर दें तो उसका आंसर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर यहाँ पे इक्वल सिंबल अगर लग गया तो हम इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि इक्वल शब्द से बना है। और अगर आप इसी चीज़ को ऐसे लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो, तो ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कहलाती है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। और अगर इसमें मैंने इक्वल का सिंबल लगा दिया जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो या लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, इनइक्वेशन ध्यान से समझिएगा। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस, इससे बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझते चले जाइए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अच्छे से ग्रास्प करते चले जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ताकि आप किसी भी तरीके से सवाल अगर पूछे तो आप कम से कम इसे फाइनल कर लें। तो आई होप कि आप इतना समझ गए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे किसी भी हालत में ए इज नॉट इक्वल टू जीरो बोलना पड़ेगा और साथ ही साथ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर बोलना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो, समझ रहे हैं?
क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। जरा सोचिए, और आपको पहले से पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है इंटू एक्स, अब प्लस ये है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। यहां पर हम कह सकते हैं कि वेयर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कह सकते हैं। तो फाइनली आपने क्या देखा कि अगर आपको उल्टे में रूट्स गिवन है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सॉरी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो। तो एस की जो वैल्यू है ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, और पी की जो वैल्यू है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यानी कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना हो एक नए सिरे से, तो आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन ले लिया कि एक्स का जो आंसर है वो आंसर है एक्स का 4 और माइनस 3। मतलब कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने पर 4 और माइनस 3 आया था। आपको बताना है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ओरिजिनल स्वरूप कैसा होगा, या हम कह सकते हैं कि वो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा रहा होगा। तो हम कहेंगे कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। एस मीन्स क्या हुआ, सम ऑफ रूट्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स क्या है, तो यही है, तो 4 अब प्लस माइनस, तो ये तो माइनस हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 4 इंटू माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू जीरो। मतलब ये हुआ कि आपको अगर कोई भी एक्स का वैल्यू गिवन है तो आप वहाँ से डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुरंत फॉर्म कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा गया इसको। मान लीजिए एक्स की जगह पे 4 रूट 3 होता, वाई की जगह पे मतलब एक और वैल्यू कोई और होता 7 रूट 4 होता, तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं वो जरा देख लीजिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको मैं एक और दे देता हूँ, मान लीजिए कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया दूसरा, कि एक्स का जो आंसर सॉल्व होके आया है वो 4 रूट 3 है और 7 रूट 3 है। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है कि ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर है। तो हम कहेंगे कि जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा
वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। और ये एक्स के दो आंसर हैं, तो एक अल्फा है और एक बीटा है, तो उसका जो सम है वो निकालना है। तो एक्स स्क्वायर और आप जोड़ लीजिए मन ही मन, तो सात और चार ग्यारह रूट तीन, अब प्लस सात चौके अट्ठाईस गुने तीन चौरासी इक्वल टू जीरो। इसी को एग्जाम में ऐसे भी लिख सकता है कि अल्फा इज इक्वल टू फोर रूट थ्री एंड बीटा इक्वल टू सेवन रूट थ्री। तो आप समझ गए होंगे कुल मिलाकर के कि क्या कहना हम चाह रहे थे, ठीक है यहाँ तक। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फॉर्म करना हो तो हम ऐसे ही चलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर रूट्स दे दे तो आप वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। इसको और भी इलेबोरेट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फंडामेंटल पहले से पता है तो क्लियर आप जानते हैं सारी चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है तो सबसे पहले हम डी निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब हिंदी में उसको विवेचक कहा जाता था। तो जब हम डी निकालते हैं तो डी निकालने की प्रक्रिया क्या थी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अभी इस पर स्पेशली चर्चा हम करेंगे, लेकिन छोटा छोटा चीज हम आपको पहले रिवाइज कर दें। और अल्फा प्लस बीटा जिसको सम ऑफ रूट्स कहते हैं एस, वो क्या था, तो आप देखें कि माइनस बी वाई ए आया था। और अल्फा इंटू बीटा सी वाई ए था, ठीक है। और एक्स की वैल्यू जब आप निकालते हैं तो कहते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। और इसी को हम लोग किसी एक को अल्फा, अल्फा और बीटा मानना जरूरी नहीं है कि आप प्लस वाले को अल्फा माने और माइनस वाले को बीटा माने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्फा इक्वल टू अगर आपने माइनस बी प्लस रूट डी मान लिया है तो फिर बीटा वाले की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए। यहाँ तक हम लोग बेसिकली फंडामेंटल पहले से जानते हैं। आप वापस जाके फिर से प्रूफ करना चाहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए कैसे होता है, तो इसी दोनों को जोड़िए, रूट डी और रूट डी आपका कट जाएगा, तो ऊपर होगा माइनस टू बी और नीचे होगा माइनस टू ए, तो माइनस टू बी बाई माइनस टू ए तो माइनस बी बाई ए। अगर इसी दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस डी, और डी की जगह पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो फिर से फोर ए सी बच जाएगा, बाकी कट जाएगा पूरा का पूरा वैल्यू, तो नीचे वाला जो टू फोर ए स्क्वायर आएगा तो उसमें से सी वाई ए बचेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट, जो मैं लिख रहा हूँ, वो है डिफरेंस इन रूट्स।
डिफरेंस इन रूट्स का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस इन रूट्स का मतलब हुआ कि अल्फा में से बीटा को माइनस कीजिए या बीटा में से अल्फा को माइनस कीजिए, जो जिसमें से घट जाता है। और डिफरेंस का मतलब होता है मतलब पॉजिटिव, डिफरेंस का मतलब अंतर। बड़ी में से छोटी संख्या घटेगी, चाहे वो अल्फा बड़ी हो चाहे वो बीटा बड़ी हो, इसीलिए मैंने इसे मॉड्यूलस लगा दिया है। ये होगा कैसे? तो हम ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि अगर मैं अल्फा माइनस बीटा बोल रहा हूँ तो इसका मतलब माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए में से माइनस करना चाहते हैं हम, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए। एक स्टेप और आगे बढ़िएगा तो माइनस बी प्लस रूट डी माइनस माइनस प्लस बी माइनस माइनस प्लस रूट डी बाई टू ए। तो क्या देख रहे हैं कि ये और ये कैंसिल्ड आउट, तो ऊपर आ जा रहा है टू रूट डी अपॉन टू ए। तो टू टू कट गया, बचा क्या? रूट डी अपॉन ए। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि रूट डी अपॉन ए को हम डिफरेंस इन रूट्स कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? इसी को हम इलेबोरेट करके भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का स्क्वायर रूट अपॉन ए अपॉन ए इक्वल टू डिफरेंस इन रूट्स। और मॉड लगाने का मतलब हो गया कि हम पॉजिटिव रिजल्ट लेना चाहते हैं। तो याद रखने वाली बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैंने जो लिखा है कि डिफरेंस इन रूट्स रूट डी बाई ए और सम ऑफ रूट्स तो माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो सी बाई ए, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। इतनी चीज़ों को आप अगर थोड़ा सा डाइजेस्ट रखते हैं तो कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन सब आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं और उसको हम समझते हैं कि कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो बी टू, यानी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो बी पी यानी टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। छोटा सा एग्जाम्पल है। अब इसको जरा समझिए कि अगर हम इस फंडामेंटल के बारे में या डिफरेंस ऑफ रूट्स के बारे में अगर आपसे हम चर्चा ना किए होते तो क्या आप डिफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते? नहीं लगाते। जितने भी किताबों को आप स्टडी कीजिएगा वो ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले जो भी फॉर्मूले होते हैं उस पर बैठने का काम करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जब लेक्चर आप देखते हैं तो उसके बारीकियों को थोड़ा सा समझिए और उसके फार्मूला के गहराई को समझिए। तो जैसे इसका सॉल्यूशन अगर हम करने जाएं तो सबसे पहला दिमाग मेरा किस पे जाएगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिफरेंस ऑफ रूट्स है वो तो मुझे पता है कि अब हम सीख चुके हैं अल्फा माइनस बीटा का मॉड, जो बराबर होगा
रूट अंडर डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें ए की वैल्यू कितनी है। तो आप अगर देखेंगे तो इस एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 में जो ए की वैल्यू है वह है 1 छिपा हुआ है, और बी के स्थान पे माइनस पी आ गया है और सी के जो स्थान है उस पे 8 है। और हम अगर इसमें बैठा दें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा माइनस बीटा 2 गिवन है और बी की जगह पर माइनस पी है, तो मैं कहूँगा माइनस पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 1 है और सी की जगह पे 8 है अपॉन ए, ए की जगह पर 1 है। आप कहेंगे सर मॉड क्यों नहीं लगाए, क्या फ़र्क पड़ता है, चूँकि स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव हो या पॉजिटिव, स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव ही होता है, तो दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 = 4 और इधर क्या होगा, पॉजिटिव पी स्क्वायर माइनस 32। तो पी स्क्वायर की वैल्यू 36, देन वी कैन से पी की वैल्यू प्लस माइनस 6। आप इसको ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पी स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब समझ में आ गया होगा कि एक प्लस रूट होगा और एक माइनस रूट होगा, तो पी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस माइनस 6। तो मुझे जो पूछ रहा था कि पी की वैल्यू बताइए, तो आंसर हम कहेंगे प्लस माइनस 6। तो आई होप कि आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फॉर्म करना हो तो वो भी समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने पे, कि उसमें हम कैसे आखिर बता पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा अगर केवल एक ही रूट्स दिया हुआ हो, ठीक है। और ये तभी संभव है जब एक रूट्स दिया हुआ हो, जब उसका रूट्स इरेशनल हो। इरेशनल क्या होती है वो हम आपको भी समझा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, एग्जाम्पल हमने ले लिया इफ वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 1/2 + √5 then फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन इन द सेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या किया, केवल एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया यानी रूट्स 1/2 + √5 और हमको बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका क्या होगा। तो ज़रा सोचिए कि हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सम ऑफ रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। मतलब मुझे अभी तक जो पता है वो यही है कि जो मेरा समीकरण होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होगा, और एस का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा होगा और पी का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा हुआ।
अब इसमें थोड़ा सा समझना है कि एक ही वैल्यू हमको दिया हुआ है 1/2 + √5, तो थोड़ा सा इसको साइड में मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये जब भी कभी भी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है तो गारंटी है कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे इस तरह के सवाल पूछ लिए जाएंगे। जैसे हमने ये कहा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इफ अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस रूट वाई टाइप। अच्छा, एक्स का ऑलरेडी यूज किए हुए हैं तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक्स और वाई का जो नाम है वो चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एम प्लस रूट एन टाइप का। मान लीजिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट अगर हमको दिया हुआ है, अल्फा या बीटा कोई भी एक रूट एम प्लस रूट एन टाइप का दिया हुआ है, तो दूसरा रूट खुद से समझना है। ये चीजें नॉर्मल वाले क्वेश्चंस में नहीं होंगे, जैसे कि 4 है तो दूसरा अपने मन से कुछ भी समझ लेंगे। मैंने कहा जब कभी भी एम प्लस रूट एन टाइप का कोई भी इक्वेशन होगा, मतलब अल्फा की वैल्यू होगी, तब की बात मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये इरेशनल फॉर्म में है और एन का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, निकालते तो फिर वो एम टाइप की संख्या हो जाती। तो जब कभी भी इस तरह के केस हो कि अगर अल्फा की वैल्यू एम प्लस रूट एन हो तो निश्चित रूप से बीटा की वैल्यू देन बीटा इज इक्वल टू एम माइनस रूट एन होगी। अब आप अल्फा भी डिटरमाइन कर लिए, बीटा भी डिटरमाइन कर लिए, तो अब आप अल्फा प्लस बीटा डिटरमाइन कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा डिटरमाइन कर लीजिए और उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो अब रही बात कि ये हुआ क्या, आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा लेक्चर में। अभी जस्ट इसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि रूट्स में साइन क्यों बदल रहे। अभी तत्काल के लिए आप इसको एकदम याद रखिए कि रूट वाली संख्या के पहले जो सिंबल होंगे वो बदल जाएंगे। जैसे मान लेता हूं कि अल्फा की वैल्यू किसी ने कहा कि भाई 3 + √7 है और कुछ नहीं लिखा, तो हम अपने मन से कहेंगे कि जो बीटा की वैल्यू होगी वो 3 - √7 होगी। अगर किसी ने कहा अल्फा की वैल्यू -√5 + 9 होगा तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, सोचिए जरा। मैंने कहा रूट वाली से पहले वाले को पलटते हैं तो 9 को मत पलट दीजिएगा बाद वाला होने की वजह से, तो हम कहेंगे -√5 के जगह पे प्लस होगा और ये एज इट इज रहेगा। यही सब पर गलतियां होती है एग्जाम में। मैंने कहा रूट वाली संख्या से पहले जो संख्या होती है, यानी रूट वाली संख्या से पहले जो सिंबल होती है उसका मान पलटता है। तो क्या आपके पास जो ये रूट्स हैं, जो इस क्वेश्चन के जो रूट्स हैं, क्या ये एम प्लस रूट एन के फॉर्म में है, पहले तो ये जज कीजिए। तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि न्यूमिरेटर के फॉर्म में है एम प्लस रूट एन और जो क्वेश्चन गिवन है वो एम यानी 1/2 + √5 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपको याद ही होगा कि अगर कोई वैल्यू 1/2 + √5 टाइप की होती है तो सबसे पहले आप इसको रैशनलाइज करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण जैसे ही आप करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 - √5 और नीचे होगा 4 - 5, तो -1 होगा और -1 होगा तो फिर माइनस से डिवाइड हो जाएगा, तो कुछ इस तरह का होगा। चूंकि -1 से ये -2 होगा और -- √5 होगा। अब ये आपका फॉर्म बना कौन सा, एम प्लस रूट एन टाइप का। तो इनडायरेक्टली ये जो क्वेश्चन है ये यही कह रहा है, गलती अगर नहीं करनी है तो ईच एंड एवरी डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। तो हमें कहा कि एक इक्वेशन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक ही आंसर ये है, मतलब इनडायरेक्टली हम कर क्या रहे,
हम कर रहे हैं आंसर से क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं कि अगर किसी सवाल का आंसर ये है तो उसका क्वेश्चन क्या होगा। मान लो कि हम ये कहें कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हल करके 1/2 प्लस रूट 5 आया, वो क्वेश्चन कौन सा था। तो ये चीज़ डिटरमाइन करने के लिए हमने कहा कि सबसे पहले रूट्स आप देख लीजिए। तो रूट्स हमने देखा कि -2 प्लस रूट 5 है, तो फिर ये जब अल्फ़ा की वैल्यू हुई तो बीटा की वैल्यू में मैंने क्या कहा कि जो 2 है रेशनल है उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, जो इरेशनल है उसके सिम्बॉल को चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस हो गया। अब आप कह सकते कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो देख लीजिए, तो -2 और -2 -4 होगा और ये माइनस प्लस कट जाएगा। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा अगर करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो -1 हो जाएगा। बस तो अब हम कह सकते हैं कि मेरा जो आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एस की वैल्यू, तो एस की वैल्यू है -4x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -1 इक्वल टू जी। तो अब हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब -1 इक्वल टू 0। यानी ये जो इक्वेशन आया ये वो समीकरण है जिसको हल करने के बाद एक रूट आएगा 1/2 प्लस रूट 5 और एक आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि -2 प्लस रूट 5 और दूसरा कह सकते हैं -2 माइनस रूट 5। आई होप कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इफ वन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ वन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बी 3 प्लस रूट 5, 3 प्लस रूट 5 वेयर ए बी एंड सी आर इंटीजर्स then find a plus b plus c। मान लीजिए ये आपके पास में क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या होना है, तो तुरंत में सवाल को बनाने नहीं लगना है, चीज़ों को समझना है पहले। तो मैंने कहा कि एक रूट जो है वो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, जिसके रूट्स जो है वो 3 प्लस रूट 5 है, वेयर ए बी एंड सी आर बिलोंग्स टू इंटीजर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म का जोड़ क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि मेरे पास एक ही रूट है अल्फा जो गिवन है 3 प्लस रूट 5। ओके, तो मैंने क्या कहा, जस्ट वेट और थिंक कीजिए कि ये तो इरेशनल फॉर्म में है, तो मैं कहूँगा 3 प्लस रूट 5 अगर अल्फा की वैल्यू होगी तो तुरंत अपने मन से लिख देना होगा बीटा की वैल्यू 3 माइनस रूट 5। और जब अल्फा और बीटा आ गया तो हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 प्लस 3 6 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 4। आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे आया होगा। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होगा, तो ये सम ऑफ रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो
हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस पी यानी फोर इक्वल टू जीरो। और आप कंपेयर कीजिए इससे, इक्वलेंट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, तो आप कह सकते हैं कि ए की जो वैल्यू है वो वन आई है, बी की जो वैल्यू है वो माइनस सिक्स है, और जो सी की वैल्यू है वो फोर है। देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन माइनस सिक्स प्लस फोर इक्वल टू माइनस वन आएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें थी लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे लेवल पे होता है। तो एक एक चीज़ को हमें समझनी है, सारी चीज़ों को समझ करके आप कॉपी में नोट्स करते चले जाइए। जस्ट इसके बाद वाली जो वीडियो हमारी होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि रूट्स कहाँ पर आपके डी ग्रेटर देन होने से रूट्स इरेशनल होंगे कि रूट्स रेशनल होंगे, इक्वल रूट्स होंगे कि अनइक्वल रूट्स होंगे, इमेजिनरी होगा, क्या चीज़ें होगी, जस्ट हम इसके अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसमें और भी नए नए तरीके से यदि क्वेश्चन को पूछा जा रहा है तो कैसे सिंप्लीफाई करना होता है। चलिए मिलते हैं ठीक इसके बाद वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।